नीतु आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और आइए आगे की खबरों से रूबरू होते हैं। संभल में तेज रफ्तार दो बाइक की भिड़ंत में दो लोग घायल हो गए। घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया जिसे जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई कर रही है। पड़ोस में रह के कॉल ना करते हैं। संभल में ऑल इंडिया मुशायरा एवं कवि सम्मेलन बहजोई रोड रॉयल पैलेस में किया गया। ये मुशायरा जनाब नगर पालिका चेयरमैन आरिफा शकील के एक साल कारगुजारी में संपन्न हुआ जिसका शुभारंभ नगर पालिका के चेयरमैन मेंबर शकील अहमद ने फीता काट कर किया। इस मौके पर सपा विधायक जनाब नवाब इकबाल और भाजपा के पूर्व प्रत्याशी अकील उर रहमान खां मौजूद रहे। दूर दराज से आए सायरों ने सभी को मुशायरा सुनाकर खुश किया और इस मुशायरे में काफी लोगों ने हिस्सा लिया। विराम के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में श्रम विभाग निर्माण और मिनी सचिवालय में अन्य कर्मचारी जिसमें उपायुक्त डॉक्टर अवैस अहमद अवसर पर मुख्य अतिथि रहे और एक दिन में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डीसी ने कहा कि श्रमिक वर्ग एक राष्ट्र के विकास के लिए रीढ़ की हड्डी है और सरकार भवन में अन्य निर्माण श्रमिक के उत्थान के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को तैयार किया जा रहा है। उन्होंने खुद को पंजीकृत और विभिन्न योजनाओं को लाभ उठाने के लिए अन्य कर्मचारियों की अपील की। इस अवसर पर निर्माण और जिले के विभिन्न भागों से अन्य कर्मचारी व अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित रहे। जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता फिरदौस अहमद की हमारा एक जहनी वो बना हुआ है रुझान कि हमें सरकारी नौकरियां चाहिए और हम इनको सबसे बड़ी दिक्कत जो है हमारा मैनुअल सिस्टम जो है वो पहले था रजिस्ट्रेशन करने का वो ऑनलाइन तौर पे शोपियां में कि आप हर एक उसमें रजिस्टर हो सकता है किसी न किसी बुनियाद पे। उसमें रजिस्टर होने के बाद आपको जैसे आज उनकी भर्ती करता है मिसाल के तौर पर आपने किसी के साथ काम किया वो आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसा कि हमारा डिपार्टमेंट लेबर डिपार्टमेंट 25 लेबर आपको यहाँ मतलब सरकार में है डिपार्टमेंट में है घर घर जाकर कार्ड बनाना ऐसे अवसर की कोई छोटी बात नहीं है। पाकिस्तान को चला दो मैं इसी शेयर के साथ कोई फोर्थ होता है तो उसके घर वालों को कुछ रुपया मिलता है 75,000 उसमें उसके बाद इलाज के लिए अलग से मिलता है उसके बाद बच्चों की पढ़ाई के लिए अलग से मिलता है। और वाराणसी के चौका घाट में बिजली चेकिंग अभियान चलाया गया जिसका निरीक्षण इंजीनियर विवेक तिवारी के नेतृत्व में किया गया। इस निरीक्षण में बकायेदारों से अवैध बिजली जलाने वालों से 10,000 जुर्माना वसूला गया। वाराणसी से हमारे संवाददाता वीरेंद्र कुमार विश्वकर्मा की। हम वाराणसी के चौका घाट पे हैं जो कि बिजली विभाग के लोग चेकिंग कर रहे हैं। हाँ सर कहिए। हाँ यहाँ पे जो है राजस्व जो बकाया है 10,000 के ऊपर जो भी बकायेदार उपभोक्ता है बिजली का भुगतान जो समय से नहीं किए हैं उनकी वसूली का कार्यक्रम चल रहा है और पैसा जमा कराया जा रहा है और सबको जो है संज्ञानित कराया जा रहा है जो समय से बिजली का भुगतान कर दें। बिजनौर के बढ़ापुर थाना क्षेत्र के ग्राम रसूलपुर मुजफ्फरपुर में 13 दिन से लापता 10 वर्षीय बच्ची का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। 10 वर्षीय बच्ची आसिया लगभग 13 दिन पूर्व शादी में शामिल होने के पास के गांव में गई थी लेकिन शादी में नहीं पहुंची, जिसकी तहरीर परिजनों ने पुलिस को दे दिया है। इस घटना में लापता बच्ची का शव एक खेत में पड़े होने की सूचना इलाके में आग की तरह फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 13 दिन से पूर्व लापता बच्ची की लाश मिलने से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जाने वाले हैं। ये बच्चे की लाश मिली है क्या पूरा मामला ये बच्ची हमारी शादी में गई थी यहाँ से आगे शादी पड़ती है शादी में से ये तैयार हुआ घर में से आई आने के बाद में 11 बजे का टाइम था ये यहाँ से रास्ते में से उठाया किसी ने अब ये नहीं पता है उठाया किसने
उठाने के बाद में हमने इसको ढूंढ डाली, पूरा ये जंगल का एरिया जितने भी है ये पूरा हमने छान मारा। छान मारने के बाद में जहाँ से ये लाश मिली ना वहाँ तक भी देख लिया हमने, और इससे आगू भी देखा हमने, मगर इसके बच्चे का कोई पता नहीं, सबूत नहीं मिला बिल्कुल भी। आपने थाने में तहरीर दी थी? थाने में भी तहरीर दी थी। इसके चार दिन बाद में इसकी रिपोर्ट लिखवाई गई हमने, लिखवाई जब नहीं मिली तो हमने जहाँ तक हमने कोशिश हुई वहाँ तक देखा गया। दो दिन बाद में हमने रिपोर्ट करा दी थी इसकी, और पुलिस वाले ने भी बुढ़ापुर थाने वाले ने भी कह दिया कि हम भी देखेंगे और आप भी देखो, कोई खबर मिले तो हमें भी पहुँचाओ और हम तुम्हें पहुँचाएंगे। थाने वाले ने ये बात कही थी हमसे, मगर आज जो मिली है इसकी लाश मिली है यहाँ पर हमें 13 दिन के बाद। किस कंडीशन में है लाश? इसकी लाश इतनी बुरी कंडीशन में है कि आप देख नहीं पाने के, आँखें भी नहीं है ना चेहरा है, यहाँ से फुटी हुई है इसके, यहाँ तक के बाल भी उतरे हुए हैं, यहाँ तक के सलवार भी इसकी खुली हुई है, इतनी बुरी कंडीशन है इसकी। मैं इसका मामा बोल रहा हूँ जी। आगे खबरों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, देखते रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।